हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप गाइस यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आप सभी को जैसे पता है कि हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे थे बिजनेस स्टडीज में, और लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको वो टॉपिक्स भी कवर करवा दिए थे बिजनेस स्टडीज के, एक रिविजन के रूप में, कि जो अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। मतलब मैंने आपको बता दिया था कि बिजनेस का इंट्रोडक्शन, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, कॉमर्स, और जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने उन टॉपिक्स के रिवीजन के साथ हमने हमारा एक न्यू टॉपिक जो था बिजनेस रिस्क, उसे भी डिस्कस कर लिया था, जहां हम देख चुके थे कि बिजनेस रिस्क एक्चुअल में क्या होता है। और हमने देखा था जो रिस्क है दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक है आपकी स्पेक्युलेटिव कैटेगरी और एक है आपकी प्योर रिस्क की कैटेगरी। बिजनेस के रिस्क जो है उनका नेचर कैसा है, या फिर वो कौन कौन से कॉजेज हैं, फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बिजनेस के अंदर रिस्क अराइज होते हैं, उन सब फैक्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया था। आज बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब देखो बेटा, बात हो रही है बिजनेस को शुरू करने की। तुम लोग ये जान चुके बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक है, बिजनेस में इंडस्ट्री का क्या रोल है, ट्रेड का क्या रोल है, एक्सेलरीज टू ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बसेस का, वेयर हाउसिंग का, इन सब का क्या रोल है। तुम ये जान चुके कि यार रिस्क क्या होता है, कितने तरीके के रिस्क हो सकते हैं, रिस्क किन किन कारणों से जनरेट हो सकता है, तुम ये सब चीजें जान चुके थे। एक्चुअल में आज जो तुम्हें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि स्टार्टिंग अ बिजनेस, कि अब हम एक बिजनेस को शुरू करने वाले हैं, तो बिजनेस को कैसे शुरू किया जाता है वो हमें इन 10 स्टेप्स में देखना है। इन 10 स्टेप्स के थ्रू हम हमारे बिजनेस की स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बिजनेस की स्टार्टिंग उसके फर्स्ट पॉइंट के साथ, जो है सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस। यानी सबसे पहला जो बिजनेस शुरू करने से पहले आपका जो काम है वो आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको किस चीज का बिजनेस शुरू करना है। आप कोई गुड्स का बिजनेस शुरू करोगे, अगर गुड्स में करोगे तो किस चीज का शुरू करोगे, खिलौनों का शुरू करोगे, गारमेंट का शुरू करोगे, शूज का बिजनेस शुरू करोगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बिजनेस शुरू करोगे, आप सर्विस बिजनेस में जाना चाहते हो तो आप कौन सी सर्विस दोगे, सैलून ओपन करोगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करोगे, डॉक्टर बनोगे, क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको बिजनेस की लाइन का सिलेक्शन करना है, यानी बिजनेस का नेचर और उसकी टाइप, हमारा बिजनेस किस नेचर का होगा और किस टाइप का होगा, वो सबसे पहले हमें डिसाइड यहाँ पे करना होगा। क्लियर है पॉइंट नंबर वन? जब भी आप पहले बिजनेस शुरू करने के लिए सोच रहे हो तो सबसे पहले आप एक लाइन क्लियर करो कि मुझे किस चीज का बिजनेस शुरू करना है। क्लियर है? सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है साइज ऑफ द फर्म। क्या है साइज ऑफ द फर्म? लेट अज्यूम हमने सोचा कि हम टॉयज की एक कंपनी ओपन करेंगे जो खिलौने बनाती है। लेट अज्यूम फर्स्ट स्टेप में हमने डिटरमाइन किया कि हम टॉयज की एक कंपनी ओपन करेंगे जो टॉयज को बनाती है। क्लियर है? साइज ऑफ द फर्म। सेकंड नंबर पे हमें डिसाइड करना है कि हमारी जो टॉयज की फर्म होगी इसका साइज क्या होगा, उस कंपनी का साइज, उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या होगा, मीडियम स्केल की होगी, स्मॉल स्केल की होगी, या लार्ज स्केल की होगी। यानी आपको अपनी फर्म का साइज डिटरमाइन करना है कि या वो स्मॉल स्केल की होगी, या वो मीडियम स्केल की होगी, या वो लार्ज स्केल की एंटरप्राइज होगी। देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे रिक्वायर्ड कैपिटल अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। तो हम यहां पे मान के चलते हैं हमने डिसाइड किया कि हम एक मीडियम स्केल की टॉयज ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करने वाले हैं, फर्म को ओपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने डिटरमाइन किया कि हमें किस चीज का बिजनेस करना है, तो हमें खिलौनों का बिजनेस करना है। क्लियर है? उस बिजनेस के फर्म का साइज कैसा होगा, मीडियम स्केल एक ऑर्गेनाइजेशन हमें शुरू करनी है। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप थर्ड नंबर पे क्या है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, कि आपके बिजनेस में ओनरशिप कैसी होगी। देखो जो हमारे इस चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर सेकंड शुरू होगा उसमें हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को जब हमारे नए सिलेबस के बारे में हमें बुक नहीं आई थी, हमें थोड़ा डाउट था, तो उस समय मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में बताया था सोल ट्रेड, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। तो वैसे कि हमारी ओनरशिप कैसी होगी, हम सोल प्रोप्राइटर हैं या हम पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, या फिर हमें जो किसी कंपनी को शुरू करेंगे, हमें ये यहां पे थर्ड नंबर पे डिटरमाइन करना है। तो हम ऐसा डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमें तो सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू करनी है, यानी सोल ट्रेड, एक ऐसा बिजनेस शुरू करना है जिसमें अकेला ही पर्सन है जो ओनर है उस बिजनेस का। क्लियर है? सबसे पहला क्या डिटरमाइन किया कि किस चीज का बिजनेस होगा, खिलौनों का, किस पैमाने पे होगा, किस स्केल पे होगा, मीडियम स्केल पे होगा। क्लियर है?
कैसी ओनरशिप होगी, अकेला बंदा शुरू कर रहा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अगर कोई लॉ लगता है तो उस लॉ में उसे हम रजिस्टर्ड करवाएंगे। फोर्थ नंबर पे लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, हमारी बिजनेस एंटरप्राइज की लोकेशन कहां होगी। देखो लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका बिजनेस मार्केट से बहुत ज्यादा दूर है, मतलब कि उसकी रेंज में नहीं है, तो कहीं ना कहीं कभी कोई ऑर्डर आएगा प्रोडक्ट के लिए तो आपको उसको डिलीवर करने में ही टाइम लग जाएगा, जो आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल ही आउटसाइड जाके बिजनेस शुरू कर दोगे तो वहां पे आसपास लोग ही नहीं होंगे, लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि ऐसी भी कोई कंपनी है बना रही है। फिर तुम्हें दूसरे खर्चे करने पड़ेंगे एडवर्टीजमेंट पे, मार्केटिंग पे, सेल्स प्रमोशन में, लोगों को अपने कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा। तो लोकेशन का सिलेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो लोकेशन का सिलेक्शन आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल हम टॉय शॉप की जो हमारी लोकेशन है वो हम सिरसी रोड फाइनल कर रहे हैं। सिरसी रोड एक जगह है जयपुर में, जब आप खातीपुरा से आगे चलते हो तो वहां पे सिरसी रोड पे हम हमारा टॉय का बिजनेस शुरू करने वाले हैं। क्लियर, लोकेशन फाइनल हो गई। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, अरे यार अब लोकेशन फाइनल हो गई, ये फाइनल हो गया कि ओनरशिप सोल प्रोप्राइटर होगी, ये फाइनल हो गया मीडियम स्केल का बिजनेस शुरू करना है, खिलौनों का बिजनेस करना है, सब कुछ हो गया। अरे भैया शुरू करने के लिए क्या चाहिए मेरे बच्चों, शुरू करने के लिए चाहिए पैसा, यानी फाइनेंस की नीड है। तो अब फाइनेंस की जब नीड है तो यहाँ पे हमें दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखना है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम पैसा जनरेट कर सकते हैं, हमें उनसे मनी मिल सकती है। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू मनी जनरेट हो सकती है। हम बैंक से लोन लेंगे, हमारे किसी फ्रेंड से लोन लेंगे, हो सकता है हमारे पास कुछ डिपॉजिट हो, उस डिपॉजिट को इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें सोर्सेज देखना है। सेकंड जो फाइनेंस के साथ देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वे ऑफ यूटिलाइजिंग फाइनेंस, यानी जो आपके पास पैसा आया है उस पैसे को आप कैसे कैसे किस किस एक्टिविटी में कितना कितना यूज करोगे, कहाँ कितना कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। यानी वे ऑफ यूटिलाइजिंग मनी, वे ऑफ यूटिलाइजिंग मनी, वे ऑफ यूटिलाइजिंग फाइनेंस, ये आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियस बात है, इसको आपको सीरियस लेना पड़ेगा। समझ आया नहीं आया? तो भैया जब टॉयज हो गया, मीडियम हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप सिरसी रोड पे शुरू करेंगे, बात हुई पैसे की, तो सोर्सेज देखें कौन कौन से सोर्सेज होंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन ने तो लोन लिया है किससे, बैंक से, और कुछ हमारे पास सेविंग्स थी, उन सेविंग्स को हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और यूटिलाइज कर रहे हैं। हमें देख लिया कि हम इतना इतना पैसा यहाँ यहाँ खर्च करने वाले हैं। फिजिकल फैसिलिटीज, अब बिजनेस को चलाने के लिए जो फिजिकल चीजों की रिक्वायरमेंट है, लाइक मशीनरी चाहिए, कुछ असेट्स चाहिए हमें, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको इनको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे ही पैसा आ गया तो फिजिकल फैसिलिटीज अपने आप क्या होने लग गई, अरेंज, जैसे फर्नीचर, आपकी मशीनरी, ये सब क्या है आपके फिजिकल फैसिलिटीज के अंदर है, रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, ठीक है। प्लांट लेआउट, अब जो हमारी फैक्ट्री बन रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन बन रही है जहां पर हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, उसका लेआउट या उसमें ये डिटरमाइन करना कि कौन सी चीज कहां पे होगी, किस कोने में प्रोडक्शन होगी, किधर हमारा ऑफिस होगा, किधर हमारा रिसेप्शन का एरिया होगा, किधर हमारा अकाउंटिंग का काम होगा, किधर कस्टमर हमसे इंटरेक्ट करेगा, तो वो है आपके प्लांट का लेआउट। क्या है आपके प्लांट का लेआउट? तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें किस चीज का बिजनेस करना है, खिलौनों का, किस स्केल पे करना है, मीडियम स्केल पे, कैसी ओनरशिप होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, कहां होगा बिजनेस, सिरसी रोड पे शुरू करेंगे, क्लियर है। पैसा कहां से आएगा, हम लोन ले रहे हैं और हमारी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे यूटिलाइज करना है वो एकदम क्लियर है, क्लियर है। फिजिकल फैसिलिटीज, फर्नीचर, मशीनरी को अरेंज कर रहे हैं, और प्लांट का लेआउट, कहां कौन सी चीज होगी, क्या होगा, सब कुछ हमने डिसाइड कर लिया। क्या खिलौने बनना शुरू हो जाएंगे, लगता है आपको? नहीं ना। खिलौने कौन बनाएगा? खिलौने बनाएंगे एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज जब खिलौने बनाएंगे तो उसके लिए हमें चाहिए वर्कफोर्स, या फिर हम बात कह लें स्टाफिंग। क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा स्टाफिंग, हमें एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना पड़ेगा, उन्हें अपने काम समझाने पड़ेंगे और उन्हें बताना पड़ेगा कौन क्या काम करेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि अब हमें टैक्स कैसे पे करना है। मतलब कि आपने डिसाइड कर लिया कि भाई स्टाफिंग हो गई है, लोग आ गए, अब आपको एक बार अपनी टैक्स प्लानिंग भी करनी है कि मैं इतना इतना अर्न करूंगा तो मुझे इतना इतना गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा, मैं मंथली टैक्स पे करूंगा या क्वार्टरली टैक्स पे करूंगा, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। देखो टैक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, जब
हम जीएसटी में नहीं थे, जीएसटी के पहले की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है प्रोडक्ट को बनाने वाला टैक्स देता था, सेल्स टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, काफी टैक्स थे जो इंडिया के अंदर लगते थे। मगर अब सब टेस्टों के ऊपर एक टैक्स आ गया आपका, जिसका नाम है आपका जीएसटी। तो यहाँ टैक्स प्लानिंग में हमें यही डिसाइड करना है कि जीएसटी को एक्चुअल में कैसे पे किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जीएसटी को कैसे पे करना है, क्वार्टरली पे करेंगे या फिर मंथली पे करेंगे, एनुअली पे करेंगे, हाफली पे करेंगे। तो हमें सबकी टैक्स प्लानिंग भी यहाँ पे करनी है। तो भैया डिसाइड हो गया खिलौनों का बिजनेस करना है मीडियम स्केल पे, सोल प्रोप्राइटर, तिरसी रोड पे, पैसा लोन लिया, सेविंग्स थी, फर्नीचर मशीनरी आ गई, कहाँ क्या चीज होगी डिटरमाइंड हो गया, लोग आ गए काम करने, टैक्स की प्लानिंग आ गई, जीएसटी कैसे क्या पे करना, अब किसका इंतजार है यार, अब बिजनेस शुरू करते हैं। तो स्टार्ट लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, और हमने हमारे बिजनेस को क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो ये हमारे बीएसटी का जो फर्स्ट चैप्टर था बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स, उसका लास्ट टॉपिक था जिसमें आपको ये बताया गया कि बिजनेस को एक्चुअल में शुरू करना है तो आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, देन आप अपने बिजनेस को शुरू कीजिए, लॉन्च कीजिए। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी को ये टॉपिक और साथ में बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का जो कंप्लीट चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, वो आप सभी को समझ